इस ब्रेन को कैसे बेहतर वे में यूज कर सकें। इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों में हम लोगों को हमेशा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताया जाता है और सिखाया जाता है, लेकिन क्या हमें कभी यह बताया गया है कि इस जानकारी को हम अपने मस्तिष्क यानी ब्रेन में कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे ये जानकारी को जल्दी याद कर सकते हैं और कैसे इसी जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये सब हमारे कॉलेज और स्कूल में नहीं बताया जाता है। स्टूडेंट को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ये इत्यादि जैसे विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वे लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ाना भूल जाते हैं, अर्थात हमारा ब्रेन, जिसकी मदद से हम बाकी सभी विषयों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ब्रेन हम सभी के लिए भगवान का दिया हुआ एक ह्यूमन कंप्यूटर है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज को या इन्फॉर्मेशन को जल्दी याद कर सकते हैं और साथ ही साथ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्या आपको कभी ये सिखाया गया है कि हम इस कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जब आप किसी घरेलू उपकरण यानी होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी या पहली बार कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आपको यह कैसे पता चलता है कि इसका उपयोग कैसे करें? तब आप या तो इसके निर्देश पुस्तिका यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़कर सीखते हैं, या तो कोई ट्रेनर आपके घर आता है और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, जिससे आप सीख सके और इस होम अप्लायंसेस का यूज कर सके। इसी तरह भगवान ने हम में से हर एक को एक जीवित कंप्यूटर दिया है, जो किसी भी फैक्ट्री में निर्मित किसी भी चीज की तुलना में अधिक शक्तिशाली और तेज है, अर्थात हमारा मस्तिष्क। हालांकि भगवान ने हमें इस शक्तिशाली और वंडरफुल मशीन के को चलाने के लिए कोई फॉर्मल मैनुअल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो हम अपने ब्रेन का यूज अच्छा से इसीलिए नहीं कर पाते, क्योंकि हमें यह ब्रेन के बारे में डिटेल में पता नहीं है कि कैसे यह ब्रेन काम करता है और इसका यूज कैसे करना चाहिए। ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में। सर, मैं पूजा, प्रिंसिपल, ब्रेन ब्रेन बूस्टर स्कूल। इस संस्था में हम ये बताना चाहते हैं कि इस संस्था की स्थापना क्यों की गई और इस संस्था का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस वर्कशॉप से बच्चों को क्या लाभ हो सकता है, तो हम बताना चाहते हैं। ट्रेमोल क्लासेस ब्रेन बूस्टर स्कूल 10360 ब्लू एजुकेशन से एसोसिएटेड है। इस संस्था में बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस संस्था में भारत के सभी शिक्षार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जैसे कि AI एक पूरक स्कूल है, जिसमें बच्चों के दिमाग का विकास किया जाता है 10 क्लास कराकर। सर प्रति संडे स्कूल है, जिसमें प्रति संडे क्लास कराकर बच्चों के दिमाग का विकास किया जाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने बताया हम लोग को कि पहले हम लोग दिमाग का संग्रह कर मतलब कि ज्ञान का संग्रह करने से पहले हम लोग दिमाग का विकास करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में सामान वगैरह का व्यवस्था करने से पहले हम लोग सामान रखने की व्यवस्था करते हैं। और इस विचार मतलब जैसे कि हम लोग इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस संस्था की स्थापना किए हैं। जैसे कि देखा जाता है कि जैसे कोई भी बच्चा मतलब बैड और गुड नहीं होता है, बच्चा क्या होता है कि वो ट्रेंड और अनट्रेंड होता है, तो हम लोग उनको बच्चों को दिमाग को ट्रेंड करके और उनके दिमाग का विकास या उसकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। जैसे कि मतलब कि हम लोग जो 10 का वर्कशॉप जो कराते हैं उसमें ये सिखाया जाता है कि मतलब बच्चों की कृतज्ञता के बारे में और एकाग्रता में वृद्धि के बारे में, तेज गणना करने में दक्षता के बारे में और मतलब कि आत्मविश्वास में वृद्धि, इन बातों को सबको निर्धारण किया जाता है।
जैसे कि मतलब 10 डे और साल के बाद बच्चों के मतलब जो बच्चे होते हैं जो परीक्षा से डर जाते हैं या फिर परीक्षा आने से पहले वो सारी बातें जो होता है वो जो भी याद किए रहते हैं सारा भूल जाते हैं और फिर धीरे तग्रता में कमी हो जाती है, एकाग्रता में भी कमी हो जाती है। इस मतलब 10 डे और साल के बाद ये सब समस्याएँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको याद करने में परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम लोग कुछ मतलब कि ऐसे जो नियम है हमारे पास जो उनको बच्चों को मतलब याद करने की विधि को हम लोग सिखाते हैं, या उसमें से कुछ ऐसे मेथड है जो चार मेथड है मेरे पास, तो इसके अनुसार हम लोग सारी चीज़ें जो होती है बच्चों को याद करवाते हैं। बच्चों को लंबे समय तक कुछ चीज़ें जो याद रहती हैं, वर्ड्स में जैसे फोनेटिक मेथड है, फोनेटिक मेथड के अनुसार हम लोग एक फर्स्ट एग्जांपल हम देने जा रहे हैं। टीचर्स डे, टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट का हेल्प करते हैं, स्टूडेंट का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एच, एच का कोई इमेज नहीं, एच का कोई कोड नहीं दिया हुआ है ना, पेज देखते हैं। ई का भी कोई कोड नहीं दिया गया है, पेज। एल, एल का क्या कोड होता है, फाइल। पी का 9। तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे क्या हो गया, 5 सितंबर। एनआरआई डे, एनआरआई मतलब क्या होता है, एनआरआई उन लोगों को बोला जाता है कि जो अपने देश के होते हुए भी देश के लिए काम नहीं करते हैं, देश के लिए क्या होते हैं, बैड होते हैं। तो यहाँ पे बी का देखते हैं कोई कोड, बी का क्या कोड होता है, 9। ए का कोई कोड नहीं दिया हुआ है, डी का 1। क्या हो गया, 9 जनवरी। तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपने शरीर के बारे में, तो इस तरह जो है हमको हमेशा किस तरह का विचार रखना चाहिए, पॉजिटिव, किसके लिए, अपने लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, सृष्टि के समस्त जीवों के लिए मुझे पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए, क्योंकि जो भी विचार हैं वो मेरे अंदर आते हैं, ठीक है, सामने वाले को नहीं जाते। सबसे पहले तो उस काल्पनिक को भी वास्तविक मानता है, रियल मानता है, उससे लगता है ये घटना हो रही है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, इसलिए जैसी जैसा उसमें इमोशन होता है उस इमोशन के हिसाब से उसका एक्शन होने लगता है। इमोशन में आया दुख, इमोशन में भी देखो तो इमोशन भी दो तरह के होते हैं, एक जो है पेनफुल, एक जॉयफुल, एक आनंददायक इमोशन और एक कष्टदायक इमोशन, दो तरह के इमोशन होते हैं। तो जब आनंददायक इमोशन उत्पन्न होगा हमारे अंदर तो हम हंसेंगे, और जब इमोशन हमारा क्या हो जाएगा, पेनफुल होगा तो रुलाई आने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह वहां पर हम चाह कर भी हम नहीं अपने को रोक पाते हैं, अरे ये सब तो झूठ है, तो वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर, क्या है वह, मेरे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू जो है, क्योंकि वह सही गलत में भेद नहीं कर पाता है, तो हमारा मेमोरी जो है या हमारा माइंड काल्पनिक चीजों को जल्दी याद करता है, फिल्म हमको बिना याद किए याद हो जाता है, बिना याद किए याद हो जाता है, लेकिन अपने पढ़ाई की चीज बिना याद किए याद नहीं होता, क्यों भाई, क्योंकि मैंने मान लिया है जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा,
रियलिटी है कि जो हम याद करते हैं वही भूल है। रियलिटी क्या है? जो हम याद करते हैं वही भूलता है, जिसे याद नहीं करते वही याद होता है। यह है ट्रिक फार्मूला। कितने लोगों ने अपने फादर का नाम याद किया था? कोई है ऐसा जो अपने पिता का नाम याद किया हो? अपने माता जी का नाम याद किसने? याद करते हैं वह भूल जाता है, जिससे मैं याद नहीं करता हूँ वही याद होता है। फिल्मों में माली और मालिक, सपोज करिए कितने की एक मालिक है और उसका एक नौकर है जो माली का काम करता है, जो माली का काम करता है। यदि मालिक बोले कि आपको पानी देना है, बारिश हो रहा है, तो नौकर क्या करेगा? नौकर कहेगा कि नहीं, हम पानी नहीं देंगे। यदि वो नहीं कह दिया तो क्या होगा? मालिक जो है नाराज हो जाएगा और उसे नौकरी से बाहर निकाल देगा। इसका मतलब कि नौकर का मतलब होता है नौकरी, एक न करी तो नौकरी न करी। इसका मतलब कि नौकर को पूरा SSSS ही करना होगा। जिस दिन वो नो कर दिया उसी दिन उसकी ड्यूटी खत्म, उसकी ड्यूटी खत्म। उसी तरह मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं कहता। मेरा कॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन देगा उस इंफॉर्मेशन को वो करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो करना शुरू कर देगा। कौशल्या, सुमित्रा कैकेयी, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो आप लोगों ने रामायण देखा है, सभी लोगों ने। देखो होता क्या है कि हम लोग आदर्श प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज का। आदर्श प्रस्तुत, जो आदर्श पुरुष होते हैं उनके एग्जाम्पल को देकर हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल को देकर समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं से भी लिया जाए वो एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल है विचार पर। हमारे अंदर जो है विचार पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं ना, दोनों होते हैं ना। तो एक छोटा सा कहानी है, एक कुम्भार है। कुम्भार का काम क्या है? कोई बच्चा आता है, चलो भाई कुम्भार, कुम्भार हिंदी में पढ़े हो, कुम्भार। कुम्भार का क्या काम है बताइए, तुम बताओ भाई कुम्भार का काम क्या है? हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, ये सब कुम्भार का काम है, ठीक है। तो एक कुम्भार के मन में आता है विचार चिलम बनाने का। चिलम क्या होता है? एक नशीले पदार्थ को पीने का माध्यम है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कितने कितने की एक नशीला पदार्थ डालते हैं और उसके जो है आग लगाते हैं और नीचे से पीते हैं, धुआं लेते हैं उसका, ठीक है। और सुराही का क्या नेचर है भाई? सुराही तो सब लोग जानते होंगे। गर्मी के दिनों में एक बर्तन होता है मिट्टी का, किस शेप का होता है?